तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेंडिंग जो यूट्यूब में टैब आपको मिलता है उसमें दरअसल असली में क्या होता है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे रहिए, मैं ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है विनय चर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विंचारी। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो ट्रेंडिंग आपको देखने को मिलता है यूट्यूब पर, उसमें आपको पता चलता है कि जो वर्ल्ड में क्या हो रहा है और इसके साथ यूट्यूब पर भी क्या हो रहा है। तो इसीलिए जो है उन्होंने ट्रेंडिंग जो टैब है वो रखा है यूट्यूब में। तो ऐसे में कई सारे जो ट्रेंड्स होते हैं वीडियो में वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे कि समझो किसी का मूवी का ट्रेलर आ रहा है या फिर किसी का नया गाना आ रहा है, तो ऐसे में उनकी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग में श्योर होती है और कई सारे वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली सरप्राइजिंगली वायरल होते हैं। जी हाँ, तो ऐसे में आपको इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में तो पता ही है, अचानक किसी का वीडियो भी वायरल हो जाता है और बहुत ही घटिया घटिया वीडियो जो है वो वायरल होते हैं। वैसे में जो मेन होता है ट्रेंडिंग का एम वो ये होता है कि आपकी जो वीडियो है वो कितने आपको जो इसमें व्यूज़ देखने को मिलते हैं। जी हाँ, यानी कि ये जो है ट्रेंडिंग व्यूज़ काउंट पर डिपेंड करता है। जी हाँ, तो ऐसे में आपको जो है कितने सारे व्यूज़ मिले हैं और कितनी जो आपको व्यूज़ की ग्रोथ है वो बढ़ चुकी है, तो इसी वजह से आपका जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में जाता है। तो ऐसे में ये जो ट्रेंडिंग टैब होता है इसकी जो अपडेट होता है वो 15-15 मिनट के बाद रफली हो जाता है, यानी कि 15-15 मिनट के बाद आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है ट्रेंडिंग में। जी हाँ, तो ऐसे में वीडियो जो है वो आपको ऊपर नीचे देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको ट्रेंडिंग की रूल्स बता दूंगा। जी हाँ, तो ऐसे में क्या जो इसके रूल्स होते हैं इसकी वजह से जो वीडियोस है वो ट्रेंडिंग में आते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपका वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जी हाँ, यानी कि समझो आपने अगर वीडियो पोस्ट किया और 1 घंटे के अंदर आपको इसमें 4-5 लाख व्यूज़ जो है वो देखने को मिलेंगे और इसके साथ ये व्यूज़ है वो कितने सारे कंट्रीज से आपको आ चुके हैं, तो इसी वजह से आपका जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में जाता है और व्यूज़ काउंट पर ही ये डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये जो वीडियो है वो मिसलीडिंग ना हो या फिर इसमें क्लिक बेट ना किया हो और ये वीडियो सेंसेशनल ना हो, तो इसी वजह से अगर ये सारी चीज़ें नहीं है तो भी ये वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाता है, पर व्यूज़ ज़रूरी है। जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि अगर ये वीडियो जो है वो किस पर है, यानी कि वर्ल्ड में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है उस पर भी ये जो ट्रेंड है वो आपका जो वीडियो है ट्रेंडिंग में रैंक हो सकता है। जी हाँ, तो ऐसे में कि अभी जो है रफ्तार और एमवी के बीच में जो ये चल रहा है, तो ऐसे में अगर आप एक वीडियो इस पर डाल दो तो वो भी ट्रेंडिंग में जा सकता है। जी हाँ, और इसके साथ ट्रेंडिंग जो है वो कई सारे सिग्नल्स को फॉलो करता है, जैसे कि व्यूज़ काउंट, व्यूज़ में ग्रोथ, और इसके साथ मैं पहले बता चुका यानी कि व्यूज़ जो है वो कहाँ से आते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है आपके ट्रेंडिंग जाने के बारे में। तो ऐसे में इन सारी चीज़ों को कंबाइन होकर वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसे में ये उनके हाथ में नहीं होता है, वो मशीन को सिखाया जाता है, तो ऐसे में इसी वजह से जो वीडियोज़ है वो ट्रेंडिंग में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो ऐसे में कई बार ये भी होता है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपका जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग पे नहीं जाता है। जी हाँ, तो ऐसे में आपको कई सारे दूसरे वीडियोज़ यानी कि घटिया वीडियोज़ ट्रेंडिंग पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि वीडियोज़ पर लाइक्स भी डिपेंड करता है। जी हाँ, तो ऐसे में लाइक्स की वजह से जो वीडियो है वो रैंक होने लगता है, तो इसीलिए सारे यूट्यूबर्स जो है वो लाइक करने के बारे में बोलते हैं। और इसके साथ आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, इसी वजह से जो कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग बन जाते हैं। और ये सारी अभी मैंने जो आपकी चीज़ें बताई यानी कि ब्रॉड कंटेंट और इसके साथ ये जो आपका वीडियो है वो रेलेवेंट होना चाहिए व्यूवर्स के लिए, तो ये दो चीज़ें हैं तो आपका जो वीडियो है वो ट्रेंडिंग में जा सकता है। और एक ज़रूरी चीज़, YouTube जो है वो कभी भी पैसा नहीं लेता है वीडियो ट्रेंड करने के लिए। जी हाँ, तो ऐसे में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है ट्रेंड। तो अगर आपने देखा है कि ट्रेलर यानी कि पहले ही लोगों को पता होता है कि इसका जो ट्रेलर है वो आने वाला है, तो ऐसे में लोग जो है वो रुके होते हैं और जब भी वो ट्रेलर लॉन्च होता है तो झट से जो लोग हैं वो देखने को लगते हैं और लाइक करने लगते हैं इस वीडियो को, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली जो वो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड में चले जाता है और उसका #1 का रैंकिंग मिलता है। तो यही था कुछ नॉलेज ट्रेंडिंग टैब के बारे में जो आपको यूट्यूब में मिलता है। तो ऐसे में अगर आपको घटिया वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं देखने तो आप उन वीडियोज़ को जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ऐसे में उनका जो ट्रेंड है वो ऑटोमेटिकली हट सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, होप को वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाए मेरे टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सी यू गाइस।